ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗਲੂਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਕੋ ਉਸਨੇ फयाजुल हसन चौहान को पुकारा अल्लाह पाक के करम से जना मैं उनके साथ खड़ा हूँ बस बाबा अब तू भी जाने की तैयारी कर ले तेरा पीछे हाल चाल जो ख्याल है ना सारी फैमिली का वो फयाजुल हसन चौहान साहब रख लेंगे तू तैयारी ना भी करें तो तेरा ध्यान रखन दे जिन्ना ध्यान है ना वो बाबा जी का है ना उन्ना किसी होर दा नहीं है फिजा वाले पास मैं बड़ा ध्यान रखना है क्यों मैं नस जानी हूँ चौहान साहब क्या हाल है कैसी तबीयत है जो गुजर रही है गुजार दो ना बुरा कहो ना गिला करो जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है जमाने के बाद आए हो मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो बाबा तू ये कहा कर जमाने के बाद आए हो मेरे बाल जाने के बाद आए हो बल्कि ये कहो जमाने के बाद आए हो मेरी टिंड हो जाने के बाद आए हो हाजी साहब माशाल्लाह जवान है जितने गौर से और होस के साथ जनाब आप उनको देख रही थी इतना तो हमें भी आपने लिफ्ट गिराई है ना अरे आपके मुंह में 3-4 और बाजार जितनी आपकी हुकूमत ने महंगाई की है ना आपको कोई प्यार की नज़र से देख सकता है बताएं मैंने महंगाई कंट्रोल होगी अब उन्होंने महंगाई कम तो नहीं की ना जो उनको इतने प्यार से देखा जा रहा था यार ते साडा प्योवा वर्गा बाबा है बल्कि साडे हाथों का बुजुर्ग खुशकिस्मत होया ना जी कि बुजुर्गी भी जनाब इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है यार इतना जवाना नहीं लभदी है ना हमें पता क्या फायदा है किताब उम्र का एक और बाब खत्म हुआ शबाब खत्म हुआ अजाब खत्म ओए इंज दे शेर ना पढ़िया कर शबाब खत्म हुआ अजाब खत्म होया जेहो जी तेरी शक्ल है ना तू ए शेर पढ़िया कर टिक्की खत्म हुई नान खत्म होया उनके साथ मिलता जुलता जाना जैसा आपने इन पे ये जुगत लगाई है वो ये बड़ी जबरदस्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी है कि अगर नवाज शरीफ साहब फिल्में बनाते ना तो हांग कांग के शोले फिल्म बनी थी वो फिल्म बनाते हांग कांग के छोले ठीक है जी फिल्म बनी थी तन्हाइयां तो नवाज शरीफ साहब फिल्म बनाते रसमलाइयां हाँ जब खाते पीते सियासतदान थे जब से आपकी हुकूमत आई है ना खुद खाते हैं ना हमें खाने देते हैं हाँ ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है ना वो खूबी होगी ना ना खुद खाते हैं ना खाने देते हैं कहते हैं कि खुद भी खाओ तो सानू भी खवाओ आए हो तो की ले आए हो असी जिस तरह की आवाम है ना फैजल हसन चौहान साहब असी ये नहीं कहते कि हुक्मरान खुद ना खान वो खुद भी खान पर सानू भी खवान चलो तो तुम आयो साडे मेदे खाली करते साडे मेदे बां बां करते रहिंदे साडे मेदे जो चूहे नहीं बोलते सप बोलन लग पैन आप खुद ईमानदारी की वजह से नहीं खाते और हमें महंगाई की वजह से कुछ नहीं खाने देते रहेंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की याद में जाना प्रोग्राम रखेंगे उसमें निहारी भी होगी उसमें तवा मच्छी भी होगी उसमें हरीसा भी होगा उसमें हरीसे की खुताइयाँ भी होगी उसमें दही भल्ले भी होंगे उसमें छिड़े भी होंगे उसमें बटेरे भी होंगे उसमें तितर भी होंगे हर नवाले के साथ जनाब नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी होंगे चीहा मरीक तक सुनाई दे रही ने तुम क्या चीहा उन्होंने आवाम दिया चीहा उन्होंने मरीक तक सुनाई दे रही ने जो कहते सू कोई हाथ नहीं ला सकता अज कोई जना व्हील चेयर ते है कोई स्ट्रेचर ते है कोई बीमार है कोई आवाजार है कोई लाचार है कोई बेकार है ये सारा कुछ इस बार याद आता है उन्होंने चीखा मरीज ते गईया के नहीं है साड़ियां ते नैब चून तो भी क्रॉस कर दी बखाई तब्दीली है तेरे आके उस्मान बुजदार साहब साढ़े सामने करते हैं यार सच्ची गल दसा उस्मान बुजदार साहब तो ज्यादा डिसेंट उस्मान बुजदार साहब तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल उस्मान बुजदार साहब तो ज्यादा शरीफ उल नफ्स उस्मान बुजदार साहब तो ज्यादा शर्मीला उस्मान बुजदार साहब तो ज्यादा पर्दा बोल गर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्त असली वजीर आला चाहिदा सानू नहीं चाहिदा पाक दिलो पाक बाज दे मजदाक तुहानू कोई बंदा नहीं मिलेगा तुसी चाहंदे हो ऐसा तुहानू जनाब वजीर आला होवे
जेड़ा जाना वो इकबाल का शेर सी ना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। वो पहले एक वजीर आला हुंदा सी, वो कहंदा सी थरकना फड़कना फड़क कर थरकना, मशहूरी हासिल करने का एक बहाना। तुहानू वह वजीर आला चज है बेहतर लगता है। बेचारा शरीफ आदमी है, सिर थले फुट के काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है। तुहानू जरा डिस्को तो चलाकियां करने वाला ना वजीर आला चाहिए है। ए जिन्नियां खूबियां तुसी अपने सीएम दियां गिनवाइयां ना, इस तरह हकीम अपनी फक्की दियां खूबियां नहीं दस। क्या आपको ये बचपन से शौक था कि आप एक सवाल करके चुप हो जाएं और जो सीनियर तजिया कार है वो फिर इतना लंबा लंबा बोलते रहे और आप सुनते रहे? देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम सुनते कम हैं बोलते ज़्यादा हैं। तो आई थिंक जो मैं काम कर रही हूँ ना वो शायद बहुत कम लोग करते हैं कि आई लिसन एंड आई लर्न। तो जिन मैंने अगर उनको बुलाया हुआ है उनका तजिया लेने के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो होस्ट होता है वो अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन देना नहीं बनता, मैंने उनको सवाल करना है और उनका ओपिनियन अपने व्यूअर्स के सामने रखना है। मैं कहता हूँ किसी ने मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें बताऊँ कि तजिया असल में होता क्या। वो सीनियर तजिया कारों का इंटरव्यू। ओ एनफिल तुसी पी बी बी एफ और पूछोगे पी बी बी एफ की, पी बी बी एफ प्राइमरी बार बार फेल, तो तुक बढ़ गई है ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਫਿਲ ਵਾਲੀ ਲਵੇ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰੋ ਜਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿਲ ਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਯੋਰ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾਰੋ ਸੇ ਕਰੇ ਬਾਤੇ। अच्छा जॉन साहब आप मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपके पास आती है फिर चली जाती है, फिर आ जाती है फिर चली जाती है, ये मिनिस्ट्री आपके पास टिकती नहीं है, इसके पीछे राज क्या है हमें भी बताइए। देखिए सियासत के अंदर ना मेरा अपना एक डायलॉग है, कभी खुशी कभी गम ताराराम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये लगा रहता है। तो बस हमारे साथ भी यही खाता जाना, कभी आ रही है कभी जा रही है जाना। और सिद्धी गल करो चौहान साहब, जेड़ा ताड़ा जोरे खताबत है वो ओपोजिशन ने की हजम करना, ताड़ी ते अपनी हकूमत हजम नहीं करन दई। आस्ता गल करो हाजी साहब, थले किल लगी है। आस्ता गल करो, जे गल उथे तक पहुंच गई जिथे बैठे बैठे जिड़ी वजारत आ वो भी चली जावे। और तानू एक गल समझ नहीं आंदी, जेड़ा मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म करे ना वो बुजदार साहब नु नहीं चाहिदा, ओना नु मिनिस्टर चाहिदे अपने वर्गे ठंडे टिल्ले मठे। ओ जिवे बुजदार साहब वेले फिरदे हैं, जो भी वेले फिरदे हो ताड़ी अखां च ना कुकरे पे हुए ने, वो कुकरे जो है ना वो कोई आले शरीफ ते आले जरदारी दी कोई मोहब्बत प्यार दे आ गए ने, वरना काम अगर तुसी देखना चाहो तो बेताशा काम ने। चाचा तुहानू मैं इको काम दस्या है, वो अगर तुसी हजम कर लो तो मैं कहना तुहानू रात तुहाडी नींदर ना आवे जाना। पंजाब के हर शहरी के हाथ में सेहत इंसाफ कार्ड दसंबर 2021 तक होगा और 80% तक को मिल चुका है। कड़ी मुड़ी वही गल, फिर तालियां 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 अज मरौंडा ने ते कार्ड 2021 च मिलने ने। चौहान साहब किसी नूं कार्ड देना या नहीं देना, ए साडे बाबिआं नूं ते दे दो, इन्हां ने 2021 नहीं कढ़ना। नहीं नहीं देंगे कार्ड जनाब, नाल तुहानूं भी देंगे ते नाल फिजा नूं भी देंगे। ये जो हमारा बाबा है ना इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और हमारे चाचा को चाची ने जवाब दे दिया। इन्हां दोनों नूं मैं जवाब दे।